हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए बहुत साधारण सी तुरई की अच्छी सब्जी बनाने के लिए लाई हूँ। ये देखिए, ये तोरी मेरे उस पर गार्डन में लगी है। मैंने आपको पहले शॉर्ट्स डाल के वीडियो दिखाई है, बिल्कुल ऐसे फर्म है, ऐसे बासी नहीं है। तो पहले इनको धो लिया, इनका छिलका उतार लिया और फिर इसके बाद ऐसे थोड़ा सा चॉप कर लिया। न बड़े पीस हैं ना छोटे पीस हैं। दो मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया, तीन मीडियम साइज के मैंने टोमेटो लिए हैं। आजकल ये सैलेड वाले टोमेटो आ रहे हैं तो मैंने इनका छिलका उतारा और इनको ऐसे बारीक काट लिया। एक हरी मिर्च को काट लिया। जो भी मसाले हम डालने वाले हैं अभी आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यमी सी तोरी की रेसिपी। तो ये देखिए, 1.5 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है। इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच जीरा। जो जो हम डालते जाएंगे ना वो आपको दिखाते जाएंगे। और ये तोरी एक तो देखिए धारी वाली आती है, एक ही प्लेन आती है, गिलकी भी इसको बोलते हैं। तो ये वाली तोरी मैं आपको बनाना बता रही हूं। जीरा तड़क जाए इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये प्याज, जो कटी प्याज हमने डाली है। कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ये ना तोरी मेरे पास इस साइज की तीन और थी तो मैंने तीन तोरी लिए हैं। इसको प्याज को अच्छे से भूनते हैं। मैं अदरक 1 चम्मच ग्रेट करके वो भी डालूंगी और आपसे मिलते हैं भूनने के बाद। देखिए प्याज आपको दिख रही है, हल्का भुनना शुरू हो गई है। पिंक से थोड़ा सा ज्यादा हमें करना है, यानी गोल्डन ब्राउन करना है। 1/2 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये धनिया पाउडर हम डालेंगे 1.5 चम्मच, ठीक है। किचन किंग हम डालेंगे 1/2 चम्मच और इनको हम भूनेंगे। मसाले ना भूनेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। गैस को बिल्कुल स्लो पर कर दिया है, एकदम धीमा कर दिया है। और ये देखिए, तेल भी हमने ज्यादा नहीं लिया है। तोरी हमारी कम से कम नहीं तो 600 ग्राम है। एक तोरी 200 ग्राम के करीब है, बड़ी हैं, थोड़ी सॉफ्ट हैं, अपने घर की लगी हुई तोरी हैं तो फ्रेश हैं। ये देखिए, जब मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये अच्छे से ऐसे मसाला भुन जाए, प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि प्याज ना कच्ची कच्ची नहीं लगनी चाहिए उसमें। तो ये भुनते हुए हमें कुछ सेकंड्स हो गए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें ये टमाटर जिसको हमने छिलका उतार के रखा है, एक हरी मिर्च है, अदरक को मैंने फ्रेश ग्रेट कर लिया है। 1/2 चम्मच से 1 चम्मच तक आप अदरक ले सकते हैं। अगर आप ग्रेट करके डालेंगे ना तो जो बच्चे नहीं खाते हैं उनको भी ये पता नहीं चलेगा कि इसमें अदरक डाला है, और भून लेंगे अच्छे से तो उसका बस केवल एक फ्लेवर रह जाएगा। वो जो कच्चापन सबको पसंद नहीं आता है, मुंह में अदरक आता है, वैसा नहीं होगा। तो प्याज, ये प्याज भून गया और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब हम आपसे मिलते हैं। टमाटर के साथ टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इससे क्या है, टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। देखिए, ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और टमाटर में ना छिलका उतारने से क्या हुआ कि हमें पीसने की भी जरूरत नहीं है और ये इस तरह से मैश भी हो गया है। अदरवाइज क्या होता है, आजकल के टमाटर का छिलका ना बहुत सख्त होता है। अब हम डालेंगे इसमें ये तोरी, कटी हुई तोरी, इनको मिक्स करेंगे। बिल्कुल फ्रेश तोरी हैं, अपने यहां से ही मैंने बेल से तोड़ी हैं। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 मिनट के लिए ना हम इनको ऐसे खुला भूनेंगे। हमें 2 मिनट इसको भूनते हुए हो गया है तोरी को। देखिए, अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो हल्का पानी डाल के ढककर बना दें, और तोरी भी अपना पानी छोड़ती है तो बहुत देखकर हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। जैसे आपको तरी रखनी है आप वैसे रखें। तो बिल्कुल ही मैं बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं रख रही हूं, ऐसे करके ये तोरी को बनाएंगे और आप देखिएगा तोरी भी अपना पानी छोड़ देती है। इस समय आप थोड़ा सा ना नमक टेस्ट करके देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही साधारण से मसाले हैं, बहुत ही साधारण सब्जी है, आराम से बन सकती है, बिगनर्स इसको आसानी से बना सकते हैं और हेल्दी है।
तो कुकर करते हैं बंद और एक विसल आने के बाद बंद करेंगे। मैंने दो विसल लगाई और एक दो मिनट के लिए इसको सिम पर रखा। अब हम इसको कुकर को खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर है और बहुत अच्छे से गल गई है। एक्चुअली ना डिपेंड करता है कि तोरी कितनी सॉफ्ट है। तो देखिए बहुत अच्छे से पानी छोड़ दिया ना, तो ये अगर आपको तरी वाली बनानी है तो ऐसी तोरी आपको चाहिए। बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए मैं आपको यहाँ चम्मच से दिखाऊं कितनी बढ़िया ये लिपटवा बनी है तोरी। मतलब पानी अलग तोरी अलग ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है ना तो आप उसको कैसे कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर उसको और खुले में पका सकते हैं। तो मिक्स होना सब्जी का बहुत ज़रूरी है। मेरे पास धनिया नहीं है तो मैं पुदीने की पत्ती से कर रही हूँ गार्निश और ये बहुत ही यम्मी सी तोरी की सब्जी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।